और सर इसी सवाल के साथ चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, राजस्थान की बात हो रही है, तो ऐसे में बीजेपी ने सीपी जोशी को उनकी जो ताजपोशी की है उसके मायने क्या है? इसका पहला मायना तो ये है कि अब राजस्थान डायरेक्टली दिल्ली के कंट्रोल में रहेगा और सारे बड़े फैसले राजस्थान भाजपा के अब दिल्ली से होंगे। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जयपुर में नहीं होकर दिल्ली में हुई थी। इसका दूसरा मैसेज ये है कि काफ़ी लंबे समय से मोदी और अमित शाह को एक बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी, सेकेंड जनरेशन यंग चेहरा जो अगले 25-30 साल तक राज कर सके, राजनीति में सक्रिय रह सके। अब वो सारी खोज आके सीमित हो गई है सीपी जोशी पे, ब्राह्मण चेहरा उनको मिल गया है। यूँ कहिए कि राजस्थान की भाजपा राजनीति में जब भी कभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना तो पहली दावेदारी हमेशा आपको सीपी जोशी की दिखाई देगी।